दिल्ली में एमसीडी का स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि खेती की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी, अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया जाएगा। ऐसे में बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 6 में भी पीला पंजा चलाया गया, जहां पर पिछले महीने भी एमसीडी ने पीला पंजा चलाया था, लेकिन एक महीना हुआ था लेकिन उसमें भी लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आज फिर एमसीडी की तरफ से पीला पंजा चलाया गया। आप देख सकते हैं कि यह अवैध निर्माण जो है पिछले एक महीने पहले धनाशाही कर दिया था, जिसके बाद फिर से दोबारा बना दिया, लेकिन एमसीडी ने इसको दोबारा से तोड़ दिया गया। अधिकारी के माने तो उन्होंने बताया कि यदि ये दोबारा इसी तरह अवैध निर्माण करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एग्रीकल्चर में जो इलीगल प्लॉटिंग है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है जी। और जो भी उनको इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग सब डिमोलिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा दिया आज के एनडीटी में कि 31 जनवरी तक ये मेजर डिमोलिशन ड्राइव है जो कि एंटायर दिल्ली के अंदर है, जहाँ भी बड़ी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। और हमारे जो बुराड़ी एरिया है जो हमारे सिविल लाइन जोन में है, तो यहाँ मैक्सिमम जो इलीगल प्लॉटिंग्स है उस पर हम लोगों ने लास्ट मंथ दिसंबर अक्टूबर में भी बड़ा मेजर एक्शन लिया थे जी। और अब फिर कंटिन्यूटी में दोबारा यहाँ स्टार्ट। सर एक सवाल ये उठता है कि जहाँ पे डेमोलिशन हो जाती है दोबारा फिर वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए? उसी पर लगाम लगाने के लिए जैसा कि यहाँ पर जहाँ हम अभी डिमोलिशन ड्राइव हमारा चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने दिसंबर में भी मेजर डिमोलिशन एक्शन लिया था, जो कि हमने इसको लगभग ग्राउंड जीरो कर दिया था। उसके बावजूद इन लोगों ने दोबारा, अभी एक महीने का भी समय नहीं हुआ है, दोबारा इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो कि हमारे संज्ञान में आया। जो रेगुलर हम लोग विजिट करते हैं, हमारे जूनियर इंजीनियर विजिट करते हैं, तो इसलिए दोबारा से अगेन यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव हम लोग करते हैं। तमाम दिल्ली के भूमाफियाओं के लिए एक सबक के तरीके से कहा जाए, माना जा सकता है। सर एमसीडी का स्पेशल जो ये अभियान चला है ये बताया जा रहा है 31 जनवरी तक चलेगा। 31 जनवरी तक फर्स्ट फेज में है, आवश्यकता पड़ेगी तो उसको और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है जितने भी एग्रीकल्चर लैंड पे, उन सबको लेके किया था राइटिंग में की गई थी, उसको लेकर जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही तो हो रही है। ये नहीं, यहाँ पर बुराड़ी में सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा पूरी दिल्ली में है सारा काम, और उसको लेके अभी जो एक्शन हुआ है उसे भी अगर नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट में पिटिशन मूव करूँ बहुत जल्दी। कहाँ कहाँ शिकायत की थी? कल मेरी मंत्री से बात हुई थी, शहरी विकास मंत्री जी हरदीपपुरी जी, उनसे बाई फेस में मिला था। उनके ओएसजी ने कहा था कि आजकल मैं आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे, तो उन्होंने जो आश्वासन दिया वो पूरा हुआ है। हाँ, कार्रवाई की है वो सही है। अभी जो कार्रवाई चल रही क्या लग रहा है, पीला पंजा चलाया जा रहा है? तो कितने लग रहा है कार्रवाई पूरी होगी नहीं होगी? ये कार्रवाई पूरी होगी जो मंत्री जी को वैसे साहब ने मेरे से कहा है कि आप हफ्ते भर का टाइम दो, जो उन्होंने कहा था वो आज प्रॉमिस पूरा किया है, उनके लिए थैंक यू। सर इस तरीके के निर्माण कार्य जो अवैध तरीके से हो रहे हैं खासतौर पर बुराड़ी और पूरी दिल्ली में, कितना गलत मानते हैं, नुकसान किसका? मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ इसके लिए। अवैध निर्माण होते हैं, इससे आम पब्लिक जो गरीब जनता है वो पिसती है। नेता अपनी जेब भर लेते हैं, ऑफिसर अपनी जेब भर लेते हैं, बाद में जब एमसीडी वाले कार्रवाई करते हैं तो गरीबों की मकान टूटते हैं। गरीब आदमी किस तरह मकानों को बनाता है पैसा इकट्ठा करके, उनके दिल से पूछो। नरेला और अलीपुर में भी इसी तरह से बड़े नरेला मैंने आउटर दिल्ली, काफ़ी आउटर दिल्ली का किया है पूरी का। अच्छा, बुराड़ी है, अलीपुर में, अलीपुर है, नरेला है। तो अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगला स्टेप या अगर बनबीक देख रहा हूँ, बनबीक की अगर कार्रवाई नहीं तो मैं हाईकोर्ट में पिटिशन मूव कर।